नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टाइम विटनेस न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। आइए जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आगे नगर निगम चुनाव किस तरह के होने वाले हैं। देखिए, प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस नगर निकाय के चुनाव की तैयारी कर रही है। हमारे तमाम साथी जिले स्तर पर जो है इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, आम जन के बीच जाने का काम कर रहे हैं। और 2018 में जो निकाय चुनाव होने हैं, इस चुनाव को हम मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारें जो जीत दर्ज कर सके। सर, क्या लगता है कि कांग्रेस को इसमें बहुमत मिल पाएगा? देखिए, हम चुनाव जो है मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम करेगी। क्योंकि इस प्रदेश के अंदर सरकार को बने हुए 10 माह का कार्यकाल हो गया है, लेकिन सरकार कोई अपेक्षित कार्य नहीं कर पाई। विकास जस का तस है और जो वादे 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किए थे, उन वादों से जो है राज्य सरकार जो है विमुख होने का काम कर रही है। तो मुझे यकीन है कि उत्तराखंड के लोग 2018 के नगर निकाय चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, खबरें यह भी है कि कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता हैं जिनको विधायक भी बनना है, मंत्री भी बनना है, और वो इस समय मेयर पद की दौड़ में पड़ी है। तो सर, कहीं ना कहीं एक बगावत के सुर तो नहीं पनप रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में कोई बगावत के सुर नहीं पनप रहे हैं। जिनका आपने जिक्र किया, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस निश्चित रूप से निकाय चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम जो प्रत्याशी जो जीता होगा उसको चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे।